नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, द्वितीय चरण समीप है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिस पर उन्होंने जहां वर्तमान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपने एजेंडा पर भी बात की। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि तरह भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। हाल में ही अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी विकास की बात कही गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों की विकास कार्यों की कीमत नगर की जनता ने बेसकीमती जमीनों के रूप में चुकाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में नगर निगम रीवा में जो भी योजनाएं लाई गई उनमें से एक भी योजना मूर्त रूप नहीं ले पाई और ना ही पूर्ण हुई। शहर में विकास के अलग अलग मुद्दों पर वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कही गई, आइए आपको सुनाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत है और आप सभी को प्रणाम। हमारे यहाँ नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी सदैव की भांति भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पुलिंदा खुल गया विकास का। अभी हाल में ही मैंने एक दो दिन पहले देखा कि कुछ समाचार पत्रों में उनके विकास की गाथा छपी हुई, पर रीवा की जनता को भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप पूरी तरीके से समझ में आ चुके हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं और कुछ तथ्य हैं जिनको लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ये पत्रकार वार्ता है। हम सब आपसे रूबरू हुए। शहर में जो भी हमारे बड़े बड़े विकास के कार्य दिख रहे हैं, चाहे कलेक्ट्रेट का निर्माण हो, चाहे ऑडिटोरियम का निर्माण हो, वो सब एक निजी बिल्डर के द्वारा किए गए और उसकी कीमत हमारे शहर ने अपनी बेशकीमती ज़मीनों के रूप में चुकाई। अनेकों बार इसका जिक्र हो चुका है कि उस ज़मीनों की कीमतों में क्या गड़बड़ी रही। इसके अतिरिक्त पिछले विगत 15 वर्ष में नगर निगम ने जितनी योजनाएं रीवा में लाई एक भी योजना मूर्ति रूप नहीं ली और वो यह योजना पूरी नहीं। मॉडल रोड बड़ी बहुप्रतीक्षित योजना थी, रतहरा से चुरहटा तक की सड़क का निर्माण मुझे लगता है 2003-04 में यह पहली बार था समाचार पत्रों में आया था। मॉडल रोड पानी की जरूरत होती है, उस हिसाब से अपन कैलकुलेट करें तो हम लोग 1.25 लाख हाउस होल्ड को पानी दे सकते हैं। केवल 60,000 कनेक्शन है आज की तारीख को। 60,000 कनेक्शन से आपकी 30% आबादी केवल कवर होती है और वो पानी भी कैसा आ रहा है जो साफ नहीं है, तो कहीं कहीं तो गंदा मलयुक्त होता है जिसमें कीड़े तक के फोटो आप ही लोगों ने अखबारों में छापी है और अपने चैनल्स में कई बार दिखाई है। ये है पानी का सच। इसके बाद सीवर लाइन, हमारे शहर में सीवर लाइन के कारण 48 करोड़ की सड़कें टूट गई और उनका रिस्टोरेशन नहीं हुआ, वो फिर से बनी नहीं।